स्टडी टेबल। आइए देखिए। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बहुत ही दिनों बाद आई हूँ, 1 वीक के बाद। तो बीच में मैं थोड़ा बिजी थी, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज फिर से आ गई हूँ वापस। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्टडी टेबल लेने। तो कैमरे के पीछे से शालू बोल रही थी कि मतलब था, पर मैं बताने का बिल्कुल पूरी तरह से उसमें थी कि मुझे बताना ही है, क्योंकि आज मेरा व्लॉग उसी पे बेस्ड है। तो इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं स्टडी टेबल लेने। तो चलिए फिर बने रहिए साथ में, आपको मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। और ये काकी है दोस्तों, ये है शालू मेरे साथ आज हमेशा की तरह। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो हम लोग तीनों आज सूट में हैं। तो बस मिलते हैं आपको थोड़ा ऊपर जाकर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर पराठे खाने बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, जो यहाँ पर दिए हैं बहुत अच्छी पराठे बनाते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। शालू यहाँ पर आती जाती रहती है चाय पीने, पराठे खाने। और बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और हमें लग रहा है कि हमें अपना फ्रेंड नहीं क्यों करना, ये नहीं चाहती है। और अगर आप लोग, हम लोग अभी समर हिल में MI कॉलोनी, तो अगर आप लोगों में से कोई है जो MI कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, परांठे खाने, बहुत टेस्टी परांठे बनाते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों बारिश हो रही है बहुत ज्यादा और देखो मौसम आराम से मैं तो गड्डी चलाती हूँ। भागना पड़ेगा अभी, हम लोग क्रांति खा के आगे। तो बारिश में हम लोग जा रहे हैं स्टडी टेबल लेने, क्योंकि शालू को आज लेना ही है स्टडी टेबल। तो चलिए ले ले यो। तो दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा भीग चुके हैं और फिर भी हम लोग पैदल चले हुए हैं, क्योंकि बारिश में पैदल चलने का मजा ही कुछ और है। सो क्या ही बताएं बाकी। लेना तो है ही स्टडी टेबल, क्या करें। आज तो लेना ही है, निकलते रहेगा रूम से ना। क्या बोला, कहाँ जा रही थी? अरे बीच वाला रास्ता ढूंढ रही थी ना, बीच वाला रोड नहीं है, यहाँ बालूगंज पहुँच गई थी। फिर बालूगंज पहुँच गई, बीच वाला रोड ढूंढना था। फिर कौन सा ढूंढा? बर्फ के टाइम बर्फ आई ढूंढा, जिसको लगे सारे रास्ते एक जैसे। अच्छा रास्ता भटक गई थी। वैसे कहा कि तूने रोड कौन सा ढूंढना था, फिर वो नहीं जाता इधर बीच से। हाँ, फिर तूने कहा अच्छा 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 अच्छा, ग्राउंड से होते हुए ये वाला रोड। तो क्या ही बोले दोस्तों, इतनी बारिश में भी भाई बारिश नहीं हो रही, अभी झूठ हो रही है भाई, अभी हो रही है हल्की हल्की हो रही है अभी भी बारिश। तो हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, हम 2:30 बजे निकले थे और अभी 4:30 हो गया है टाइम, अभी तक हम बालूगंज नहीं पहुंचे। और बाकी देखिए ये जगह बहुत प्यारी है, इसीलिए हम पैदल चले हुए हैं, बहुत प्यारी जगह है। तो प्यारी क्यों नहीं होगी जब बस नहीं आनी। नहीं नहीं सच में ये जगह बहुत प्यारी है, हम दो पहले आप देखो वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल बारिश आई बारिश। ओके ओके बारिश हो रही है, गाना गाए यार। और शालू बोलती है गाना मैं यार रोड में कोई गाना गा। चलिए सर मैं गाना सुना लेती हूँ, साइड हो जाओ गाड़ी आ रही है। ये वो वाला गाना सुनना चाहती है दोस्तों की, हवा के साथ साथ घटा के संग संग साथी चल
आप लोग सोचोगे हम पागलों की तरह क्यों ऐसे गाना गा रहे हैं, इस रोड में कोई नहीं है, हम तीन पे तीन है तो इसीलिए हम एंजॉय कर पा रहे हैं। और आपको पता है अगर भीड़ होती तो फिर मैं क्यों ही गाना गाती ना। मेरे हाथ में फोन नहीं है, मतलब पहली बार। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए इसके हाथ में फोन। तो दोस्तों अभी आपने प्यारी सी जगह तो देख ली होगी, थोड़ा सा मैं आपको और दिखाऊंगी ये जगह, तो बने रहिए साथ में। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखिए, ओए तू क्या बंदर बनी हुई है। अरे फोटो लेनी है तूने? देखो कितना बड़ा पेड़ है और ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लोअर बाजार में हैं, तो ये हमने सब्जी भी ले ली है हम लोगों ने। मजा आ रहा है? हाँ देखो तो मजा आ रहा है ना। ये देखो काकी के कपड़े देखो, इसको ठंड लग रही है इतना पतला सूट पहन के आई। तो फ्रेंड्स ये देखिए लोअर बाजार, इतनी चख पाते थे हम, वो भी तो भारी है। तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि मैंने आपको दिखाया अभी मौसम। अब सीधा जाएंगे हम लोग शालू का स्टडी टेबल लेने, नहीं तो दो तीन बंदे हम चुपचाप निकले। लोग ये नीचे वाले रास्ते में जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, और ये देखिए बाजार वाला ये वाला रास्ता है, और इधर के भी काफी सारी शॉप्स हैं, और जहाँ पर स्टडी टेबल लेना है हम लोगों ने वो भी इसी रास्ते में है। तो जा रहे अब हम लोग पहुँच ही गए हैं रूम की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच ही गए जहाँ पर स्टडी टेबल देखा है हम लोगों ने, देख लिया था स्टडी टेबल लिया जा रहा है वो काकी का है मेरा नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर खरीदा देखा है हमने स्टडी टेबल। मेरे बाल तो गंदे हैं, तो हम तो ऐसे घुस रहे थे हमारी। तो ये देखिए कुछ इस तरह के स्टडी टेबल है यहाँ पे। चलो तो कोई वाला अच्छा लगा। और भी है यहाँ पर, देखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स स्टडी टेबल। ये देखिए पर शालू को वो दूसरा वाला ही पसंद आया है, मैं आपको दिखाती हूँ जो, और क्योंकि उसको सिंपल सा चाहिए था सो वो ये है। क्या कर रही है? हाँ शालू ये वाला ही है ना, ये चले थे। कितने का था शालू ये? 1300। हाँ। और ये चेयर पता नहीं 600। चले थे। ओके तो क्या जाना है ना? नहीं नहीं। तो फिर फाइनल यही है शालू का स्टडी टेबल जो ये खरीद रही है। अच्छा? और ये चेयर। नाइस, कैसा लग रहा है फिर आपको? क्या चेयर? हाँ जी। चलो फिर पेमेंट हो गई है। बहुत ही भारी लग रहा है भैया, आएगी ना तो पक्का? नहीं तो इसको उठाना है। नहीं ठीक है, ऐसे उठा लूंगी मैं चेयर। चलो फिर भाई अभी लग रहा है ये तो भारी, नीचे देखो दोस्तों कैसे उठाई। प्लीज ना यार मेरी मुंह में डाली हुई है, घर में देख के फिर डिसाइड करते रहियो। देखो इधर देखो हम लोग चेयर, ये दो ये चेयर तो एक जन भी उठा सकता है, टेबल उठाना पड़ेगा दो जन को। बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट किए हमारे स्टडी टेबल। मैं दिखाती हूँ, हम लास्ट सीट पे बैठे हैं अभी। ये देखो शालू, और ये देखो हम बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठे हैं, और ये देखो हमने स्टडी टेबल, और ये देखो चेयर यहाँ पर रखी है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए हैं वापस रूम। तो नहीं नहीं, तो फ्रेंड्स अभी वर्षा दीदी आए हैं यहाँ पे, तो ये लोग मेरे बाल काटने वाले हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो फिर कैसे बाल काटे जाते हैं, कैसे हम कैसे ये मेरा। तो फ्रेंड देखो ये लोग मेरा मुंडन करने वाले हैं अभी। तुम्हारे बाल ना दोस्तों अभी बहुत ज्यादा गीले हुए हैं, बारिश लगी थी ना बहुत ज्यादा, तो
सामान भी अभी ऐसे ही फैला हुआ है कमरे में। तो यहाँ पर बैठे हैं वर्षा दी, तो ये मेरे बाल काटने वाले हैं। वर्षा दी आ जाओ, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। हाँ सब्जी बनानी है थक के, जरूरी नहीं पुलाव बना सकते हम। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे स्टडी टेबल कहाँ गया, वो हमने अभी दरवाजे के बाहर रखा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीग गया था, तो हमें लगा क्या गीला गीला अंदर लेके जाना। तो क्या मैं इनको ऐसे रख पाऊंगी वर्षा दी? देखा तूने स्मूथनिंग की है, कैसे रखेगी तू? नहीं रख पाएगी। क्यों स्मूथनिंग की है तूने? वो डॉक्टर फिर क्या हुआ? अरे तो ये ऐसे नहीं जाएंगे दो तरफ। क्यों जाएंगे? आगे को कैसे आएंगे? जैसे आ रहे हैं नहीं अच्छे नहीं आएंगे आगे। वो है आएंगे, वो है कैसे यार? नहीं नहीं वर्षा दी अच्छा काट रहे हैं, ज्यादा मत हल्का सा और कर दो बस। आंखों के ऊपर यहाँ तक ऐसे पलकों के ऊपर आना चाहिए, मतलब परे नहीं कर फूटे यहाँ से। मैं ऐसे रहती हूँ, मैं यहाँ दिखाती हूँ अपने YouTube फैमिली को। एक गंदे ने दिखाई हूँ पीछे यार, बाकी दिखाते जिस मर्जी को। रुक जा रुक जा। तो फ्रेंड्स मैं फाइनल लुक शेयर करती हूँ, क्या बनाया मेरे को वो शरीर ने। डाली नहीं यार, ये इकट्ठे नहीं हो रहे बीच से, कहाँ से होंगे ये? ऐसे किए थे ना ये दिन भर, तो क्यों होंगे इकट्ठे? कोई सी नहीं, ऐसे भी चलेंगे, मेरे को नहीं, मेरे को ऐसे भी चलेगा थोड़ा थोड़ा। ये ऐसे सेट नहीं होंगे क्या ये? अरे इधर से नहीं हो रही ऐसे। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो इन्होंने मेरे बाल काटे हैं। दोस्तों ये पता नहीं, मैं एंड करती हूँ व्लॉग का। तो फ्रेंड्स ये पता नहीं इन्होंने मेरा क्या बना दिया है, मेरे को खुद पता नहीं लग रहा ये वर्षा दी ने क्या बनाया। आप लोग को मतलब मैं सोच रही थी कि अगर आप लोगों में से कोई समझ हो जाता है तो इनके पास कटिंग करने आए, पर कोई भी ना आए। अपने बाल इन्होंने अच्छे काटे हैं खैर, पर मेरे भी अच्छे ही हो जाएंगे अभी और करेंगे इनका कुछ। तो अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। कर दो बंद, बाय बाय।